विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस खेमे में एक के बाद एक बयानबाजी सामने आ रही है। पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने हार पर बड़ा बयान दिया है। जय सिंह अग्रवाल ने कहा कि कुछ लोग ही सरकार चलाते रहे, इस चुनाव में एकजुटता नहीं दिखी। जय सिंह अग्रवाल ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि खेतों को सुरक्षित रखने के लिए बाड़ा बनाया जाता है, अगर वो बाड़ा ही खेत को खाए तो क्या होगा। जय सिंह अग्रवाल ने इशारों ही इशारों में हार की जिम्मेदारी के लिए मुखिया की ओर इशारा किया। विधायकों के परफॉर्मेंस को लेकर फर्जी सर्वे पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में जो जनादेश मिला था, सरकार उसकी कद्र नहीं कर पाई। मंत्रियों को पावर नहीं मिल पाया, कुछ लोग ही सरकार चलाते रहे और मंत्रियों का जिले में प्रभाव कम किया गया। देखिए, पिछले 2018 के चुनाव में पार्टी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा, हम लोग विपक्ष में थे, उस प्रकार से इस बार के चुनाव में देखने को नहीं मिला। पहली चीज, जबकि हमारी सरकार थी। और पिछली बार प्रदेश अध्यक्ष थे हमारे बघेल साहब और सीएलपी लीडर थे टीएस सिंहदेव जी, और जितने वरिष्ठ नेता थे लगभग सभी ने चुनाव लड़ा, एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा। अभी का जो चुनाव था वो चुनाव थोड़ा सेंट्रलाइज हो गया था, क्योंकि जो 5 साल की हमारी सरकार का कार्यकाल था, सरकार ने काम किए, बहुत से काम हुए, कुछ काम शेष भी थे, लेकिन जो हमको जनादेश मिला था उस जनादेश का हमारी सरकार सही आदर नहीं कर पाई। जिस प्रकार से मंत्रियों को जो पावर मिलनी चाहिए थी मिल नहीं पाई, एक ताकत सेंट्रलाइज होके कुछ चुनिंदा लोगों के साथ पूरे 5 वर्ष तक काम करती रही, जो एक खींचातानी का माहौल रहा। कोरबा में ले लीजिए या पूरे प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में हम लोग पिछड़ गए, क्योंकि सरकार ने किसानों पे ध्यान दिया और ऐसा लगता है कि हमारे मुखिया को ये कहीं ना कहीं विश्वास रहा कि हम ग्रामीण क्षेत्र की सारी सीटें जीत लेंगे, तो शहरी सीटों की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ी। जो प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के अधिकारी थे उन्होंने कामों में व्यवधान भी डाले। सरकार से जो काम नहीं हुए हमने उपक्रमों के माध्यम से भी पैसा स्वीकृत कराया, उसमें रोड का काम भी शुरू हुआ, लेकिन उसी कलेक्टर ने उस पैसा को काम को रोक के और भुगतान को रोक के और उसको काम को बाधित किया। इसके साथ साथ कुछ ऐसे छांट छांट के पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर पदस्थ किए गए। एक पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा, जिसने कोरबा को डुबाने में पूरी भूमिका अदा की। इसके बाद रायगढ़ के कलेक्टर बनाए गए, तो रायगढ़ का क्या हाल हुआ उसको देख लीजिए। एसपी बनाए गए, उसी प्रकार रानू साहू जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है, उसने कोरबा को किस प्रकार से बर्बाद किया, किस प्रकार से कामों को बाधित किया। भोजराम पटेल एक एसपी आए, उसको एक सिपाही ही चलाते रहा, उस सिपाही ने करोड़ों रुपए धन अर्जित किया, अवैध सारे धंधे कोरबा में चालू करवाए। फिर एक आपके उदय किरण एसपी आए, उसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जो कोयला कबाड़ और डीजल चोरी के जो धंधे थे उनको और ज़्यादा बढ़ावा दिया, यहाँ गैर प्रांतीय गुंडों को ला के बसाया गया। इन लोगों ने पूरे कोरबा के माहौल को पूरे 4.5 साल तक बिगाड़ दिया। यहाँ पे सरकार की इतनी इनकंबेंसी पैदा की और इस प्रकार के सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र के अपराध करवाए, जिससे सरकार की छवि खराब हुई और उस सब का खामियाजा हम लोगों को भुगतना।